ने जब 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 आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। पलटू बाबू को कहने आया, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है, 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब पलटू बाबू को कहने आया हूं, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ बिहार वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये आरजेडी और जदयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। लालू जी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की